दोबारा पॉइंट तीन सत्य सत्य। सबसे पहला पॉइंट देने का है किसी जीवा द्वारा, खुद को ध्यान देना, ये है वर्त और ये रही वर्त की जीवा। आप तो ध्यान दो, ये वर्त की जीवा है, ये वर्त क्या हो गया, चाप। अब इसने कहा है वर्त की जीवा से वर्त पर कहीं बिंदु रख दो, वो कौन क्या होगा आपके बराबर, ये सत्य ऐसे बताना है। मैंने यहाँ कौन रखा, जो कौन ये है वही कौन आपके ये हो, बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन सब एक तरफ बराबर है। अगर इधर आ गए तो फिर बराबर नहीं होगा। अगर ये वाला कौन, ये वाला अगर आपके 60 डिग्री है तो ये होता है आपके 120 डिग्री, अलग होता है। ये अगर 70 है ये होता है आपके 110, मतलब आमने सामने के कोणों का जो होता है 180। ये वाला अगर ऐसा चतुर्भुज अब आगे आएगा, आगे 12.4 में चक्र चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का जो कितना होता है 180, ये 60 का है तो ये 120 का है। इधर के सारे कोण अगर ये 60 है ना, ये भी 60, ये भी 60, सारे 60 होते हैं। अगर यहाँ पर सब 50 है ये सब कितना होंगे 50, लेकिन यहाँ पर कोण पर यहाँ कितना रहेगा 130 130 130 हो जाएंगे इधर, तो ये वाली बराबर नहीं। अगर ये कहता कि जीवा के एक तरफ के सभी बराबर होते हैं, मतलब क्या होता, सत्य होता, लेकिन इसमें देखो एक तरफ लिखा ही नहीं, इसमें क्या लिखा है, जीवा द्वारा वर्त पर स्थित किन्हीं भी बिंदु, कई भी बिंदु लिख दो, कई बिंदु के तो आपके बराबर नहीं होगा, या तो सब इधर के होंगे तो हो जाएगा, या सब इधर के होगा तो भी हो जाएगा, लेकिन वर्त पर कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो काम नहीं आएगा। यहाँ पर अलग इधर अलग कौन बनेंगे और इधर वाले कौन अलग होंगे, ये वाले सारे कौन एक नाप के और ये वाले सारे कौन एक नाप लेकिन अलग अलग होंगे, तो खत्म क्या है आपके सत्य हो जाता। अगर ये कहता कि जीवा के एक तरफ के कौन तो फिर सत्य होता, लेकिन यह जीवा के एक तरफ लिखा हुआ नहीं, तो खत्म क्या हो गया आपके असत्य। दूसरा देने का है आकृति 12.45 मित्रों, आकृति 48, ये जो ये वर्त दे रखा है इधर ध्यान देना, ये वर्त है और वर्त पर लिखा हुआ है यहाँ पर दिया हुआ ए बी, ये दे रखा है केंद्र ओ, ये दे रखा है सी, ये दे रखा है डी और ये दे रखा है आपके ई। ए सी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, ए सी स्क्वायर कहाँ दे रखा है, ये रहा ए सी स्क्वायर बराबर प्लस क्या दे रखा है बी सी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है आपके ए बी स्क्वायर। ए बी वर्त का व्यास है और सी वर्त पर बिंदु है, तब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके ए बी स्क्वायर होता है। ये कहते सत्य का सत्य है, सत्य है, क्योंकि यहाँ नबिटी कौन है और नबिटी कौन के अंदर ए बी क्या है कर्ण है और कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, इसलिए खत्म क्या हो जाएगा आपके ये सत्य हो गया। ए बी वर्ग का व्यास हो गया और सी को बिंदु हो गया तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी आपके कर्ण का रूप में काम करेगा। अब है आपके नंबर तीन दे रखा वही आकृति वापस यही आ जाए, क्या कहा इसने, इसने कहा है कि कौन ए डी ई, कौन सा कौन ए डी ई कहाँ दे रखा है आपके, ये रहा ए डी और ई, ये वाला कौन कितना दे रखा है 130 डिग्री, वो वाला ए डी कितना है 130 और ई ए बी ई ए और बी, ये वाला कौन कितना दे रखा है आपके 30 डिग्री, क्या ये कथा सत्य है ये बताना है असत्य है ये बताना है, तो कैसे मान लो ज्ञान नहीं इधर ये सब मिला लो, तो ये अगर आपके 30 है तो अगर 130 है ये वाला ये कितना देगा आपके 130 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके 90 डिग्री, यहाँ पर कितना हो गया 90 डिग्री, अब आपके यहाँ 90 है तो ये कितना हो जाएगा आपके 60 डिग्री, तो देखो यहाँ से अर्धवर्त पर कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। अब अगर ये 90 है ये 60 है, अगर ये 30 होगा तो ये 30 होगा ये कितना हो जाएगा आपके 60। अब तो ये आकृति लो ये वाली कौन सी त्रिभुज लेना है ये वाली, ये कितना बता रहा आपको 130 डिग्री,
ये कितना हो गया आपके 90, और ये कितना हो गया आपके 60, ये हो गए कौन से अंकर के आपके चतुर्भुज दे रहा नियम लगते चतुर्भुज दे रही है, तो बताओ ये कितना होना चाहिए, ये वाला कितना होना चाहिए था? अच्छा तुम कितना होना चाहिए, कितना होता है 360 के अंदर आपके ये 90 है, ये 30 है, ये कितना देर का, ये 90 है, ये 60 है, और ये कितना देर का आपके 30 देर का ई ए बी, और दूसरा देर का आपके ए डी जी, ए डी ई हो गया, और ये हो गया 30 डिग्री। तो ये देर का है आपके 120 डिग्री, और ये देर कितना आपके 60 डिग्री, और ये देखो ये देर 120 देर का है, ये देर का 60, 60 कैसे हुआ, ये कह रहा है ये 30 डिग्री, ये कितना डिग्री बता रहा है, ये 30 डिग्री, अगर ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए आपके 60 डिग्री होना चाहिए, और ये कौन सा जाकर के ये आपके ये होता है छठे चतुर्भुज होता है, इसमें आमने सामने कोण जो कितना होता है 180 होता है, और 180 है देर का 180 डिग्री, पता नहीं क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए सब ई ए बी। हाँ ये वाले आकर तीजा को ध्यान देना, अब इस भुजा को यहाँ हटा दो, इन दोनों का योग कितना हो रहा है आपके 180 हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपके ये वाला कोण अगर 30 डिग्री है कदम तो सत्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपके 60 डिग्री, और इन दोनों योग कितना हो रहा है आपके 180 भी हो रहा है, कदम तो सत्य हो रहा है, लिखा हुआ नहीं इसमें बान बताएंगे सत्य सत्य इच्छा तो और देख ले, ये देर का है सी ए डी और सी ई डी, क्या देर का है सी ए डी सी ए और डी, दूसरा क्या देर का है सी सी ई डी सी ई और क्या हो गया आपके डी, बताओ ये वाला कौन और ये वाला कौन क्या है आपके बराबर, दोनों बराबर है, क्यों है बराबर, देखो एकांदनी ये रेखा ये लो चाप, मैंने भी बताया था, मैंने बताया था ना वर्ग में कि इसी चाप से ध्यान देना, इसी चाप से यहाँ को बनाओ या फिर यहाँ को बनाओ या फिर यहाँ को बनाओ या ऐसे को, सभी कोण क्या होते हैं बराबर, देखो इसी चाप से इधर कौन बन रहा है और इसी चाप से इधर बन रहा है, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे आपके बराबर, ये कदम क्या है आपके सत्य, वो कदम ही सत्य ही था आपके, देखो ध्यान देना ये कितना देर का आपके 120 डिग्री, बताओ ये कौन सा चतुर्भुज है, ये चक्र चतुर्भुज है, इसमें नियम है कि आमने सामने के कोणों योग कितना होता है 180, तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके 60 डिग्री, अब क्या करें इसको इसको मिलाएंगे, और ये कौन सा ये अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त में कितना डिग्री कोण था आपके 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है और ये 60 है तो त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है 180, 180 में दोनों गए तीन बजे आपके 30 डिग्री, तो ये कौन 30 दे रहे का सवाल के अंदर, अतः कथन क्या है आपके सत्य है, वो किताब में आपके मिस्त्री दबाव डर चबाव सही कथन है सत्य है कथन। तो सवाल नंबर दो, ये दे रहे का है आपके वर्ग, वर्ग के अंदर लिखा हुआ है कि ए बी सी का मान कितना दे रहे का है 45 डिग्री, और ओ ए लंब है ओ सी पर ए करना है सिद्ध, मतलब ये वाली भुजा इस पर लंब है, मतलब हमें सिद्ध करना है कि ये कोण कितना डिग्री का है, मतलब मेरे परमे नंबर 12.1 के देखो ये वाला है चाप, इस चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण बाकी बचे अन्य भाग पर बनने वाले कोण का हमेशा क्या होता है दोगुना, तो देखो यहाँ पर बनने वाले कोण का ये क्या होगा हमेशा डबल, ऐसा तो घुमाकर जैसे घुमाएंगे ना तो ऐसा बन जाएगा, ये वाला कोण इसका क्या होता है डबल, ऐसे होता है ऐसे जितनी ज्यादा काटा हुआ तो ऐसे काटा हुआ, वर्ग के चाप एसी पर चाप पर जो कोण बनेगा ना केंद्र पर उसके शेष भाग पर कहीं भी चाहे यहाँ है चाहे यहाँ पर है कहीं पर भी कोण का हमेशा क्या होता है ये कोण, इस कोण का डबल करने पर ये बनता है, बताएगा परमे नंबर 12.8 तो बताओ ऊपर दिन, अब देखो यहाँ क्या जाएगा कौन ए ओ सी का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री, क्यों आएगा 90 ऐसा लिख रहा है, कौन ए ओ सी का मान क्या होगा इसका डबल होगा, तो दोनों क्या होगा आपके ए बी सी का डबल होगा, ए ओ सी का मान कितना आ जाएगा बताओ 2 इंटू कितना
45 डिग्री। बताओ ए ओ सी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अतः क्या होगा ओ ए लंब है ओ सी का। ये क्या हुआ परमेय नंबर कौन सा 12.8 का नियम है कि जिस चाप से केंद्र पर कोण बन रहा है बाकी बचा चाप पे कहीं भी कोण बना लो उसका डबल करने पर ये आ जाएगा। अगर यहाँ होता ना तो यहाँ 45 है तो भी ये 90 या 45 कहीं बना लो यहाँ 45 है तो 45 बनता तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ ए और ए का ओ सी पर लंब दिया हुआ। अब है सवाल नंबर तीसरा ओ त्रिभुज एबीसी का क्या देगा परिकर्ण। मैं बताया था चैप्टर नंबर 10 में परिकर्ण किसे कहते हैं भुजाओं का आधा करने पर क्या बनता है परिकर्ण। ये त्रिभुज है ये दे रखा है आपके त्रिभुज और मैंने त्रिभुज का अगर क्या करता हूँ समद्विभाजन क्या करना है त्रिभुजों का भुजाओं का समद्विभाजन करना है यहाँ से इधर से आधा करने पर यहाँ पर आएगा केंद्र इसे बोलते हैं परिकर्ण। मतलब भुजाओं का आधा करने पर क्या बनता है आपके परिकेंद्र बनता है ये रहा परिकेंद्र। इसे कहते थे अब ये परिकेंद्र है इसका नाम क्या है ओ ओ इसका सेंटर केंद्र। अगर मैं इससे यहाँ पर वर्त बनाऊ यहाँ पर क्या बनाऊ वर्त ये लिखना जरूरी नहीं है मैं ऐसे ही बता रहा हूँ परिकेंद्र किसे कहते हैं बताया मैं भुजा का आधा करने पर हमेशा क्या बनता है आपके परिकेंद्र बनता है। हमें करना है सिद्ध क्या सिद्ध करना है ये नाम है ए ये नाम है बी ये नाम है सी और डी क्या है डी यहाँ पर है और मध्य बिंदु है मतलब ये और ये क्या है आपके बराबर। बताया मैं परमेय नंबर कौन सा 12.34 बताया था पहले कि हमेशा केंद्र केंद्र से जीवा पर हमेशा क्या होता है 90 डिग्री कोण भी होता है दो भागों में भी बांट देता है। अब हमें कैसे सिद्ध करना है बी ओ डी कहाँ है ये ओ रहा डी ओ डी यानी ये वाला कोण कितना होता है इसके बराबर ये करना है आपको सिद्ध करना इसको ऐसे मिला लो। अब इसको ऐसे करना होता है किस प्रकार ऐसा कर देना। अब देखो हमें इस पहले इस कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा और इसका भी ज्ञात करना पड़ेगा तो क्या करना फिर आप दोनों को बराबर बताना कैसे बताएंगे। देखो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा बताओ ये और ये दोनों त्रिभुज क्या नाम है त्रिभुज बी ओ डी और त्रिभुज कौन सा हो गया आपके सी ओ डी से ये उत्पत्ति है आपको ये वाला क्या लिखोगे ओ क्या है परिकेंद्र और डी क्या है इसका मध्य बिंदु और ये लिखना है आपको कहाँ पर सिद्ध करो जहाँ लिखी है। अब ऊपर बता रहा देखो ये दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है सर्वांशन करना है। देखो सबसे पहले आपके ये वाली भुजा दोनों आ रही इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है ओडी बराबर क्या हो गया है ओडी क्या हो गया बताओ ये हो गया है आपके उभयनिष्ठ। दूसरा ये और ये बराबर है इसका मतलब क्या हुआ बी ओ बराबर क्या है सी ओ ये क्यों बराबर है ये वर्त क्या हो गई त्रिज्या हो गई। तीसरा ये और ये बराबर है बी डी बराबर क्या है सी डी ये सवाल के अंदर दिया हुआ है कि डी क्या है बी सी का डी है बी सी का मध्य बिंदु। बताओ नियम कौन सा लगा ए ए ए नियम वाला कैसे नियम वाला कह सकते हैं त्रिभुज बी ओ डी सर्वांशम है त्रिभुज सी ओ डी के। अगर सर्वांशम है तो अन्य भाग भी क्या होंगे अन्य भाग कौन सा ये और ये बराबर होगा पॉइंट नंबर एक बराबर क्या होगा ये दोनों बराबर होगा। अब क्या करना है अब इसको भूलो यहाँ का ये आकृति दे रखी है आपको इसको इसको देखो ए को बी को सी को और यहाँ केंद्र दे रखा ना ओ उसको ध्यान देना है ये इस चित्र को ध्यान देना इसको भूलो यहाँ से। अब बताओ ये वाला कोण का डबल करने पर यह आता है नियम बताया बल मैंने 12.8 बताया नियम कि ये वाला कोण देखो कोण बी ओ सी अगर मुझे ज्ञात करना है ये वाला तो क्या होगा बताओ इसका डबल होगा दुगुना किसका होगा कोण बी ए सी का दुगुना होगा इसका डबल होगा ये वाला कोण क्या होगा इसका डबल क्यों होता है परमेय नंबर कौन सा 12.8। अब देखो बी बी ओ सी बी ओ सी के अंदर दो कोण है कोण ए बी और कोण ये और दोनों बी ओ सी के अंदर क्या आ रहा है कोण एक और कोण दो आ रहा है दो का दो इस बी ए सी कोण को क्या बोलते हैं केवल कोण एक है तो ये आ गया कोण एक। अब बताओ एक और दो
दोनों बराबर है, लिखा दोनों बराबर है तो दोनों जगह एक ही नाम लिखो, या तो लिखो दोनों जगह एक, या लिखो दोनों जगह दो। क्या लिखेंगे हम, यहाँ भी कौन एक, यहाँ भी कौन एक, बराबर हो गया दो बार कौन एक। तो कौन एक कितना हो गया, एक एक कितना हो गया आपके, दो बार कौन एक बराबर क्या है, दो बार कौन एक, दो से दो एक को क्या बोलते हैं, बी ओ डी कहते हैं, एक को क्या बोलते हैं बी ओ डी, और यहाँ क्या हो गया कौन एक, तो बी ओ डी बराबर क्या हो गया कौन एक। सवाल नंबर चार, एक उभयनिष्ठ कर्ण है, मतलब एक ही त्रिभुज के कर्ण दे रखे हैं, मतलब कर्ण दोनों का एक ही है, ए भी कर्ण है और दो समकोण त्रिभुज है, ऐसा ये कर्ण दे रखा है, इधर भी आपके नबड़ी के कौन है और इधर भी क्या दे रखा है आपके नबड़ी का कौन, ये और ये दोनों नबड़ी के कौन दे रखे हैं, और इसमें तो ए का नाम क्या है आपके, ये ए भी नाम है सर, एक तरफ सी और एक तरफ क्या दे रखा डी, दोनों इस प्रकार है, दोनों इधर क्या दे रखे विपरीत दे रखे, हमें सिद्ध करना है कि बी ए सी कौन सा कौन, बी ए सी यानी ये वाला कौन और दूसरा कौन सा बताया आपके बी डी सी, बी डी और सी, यहाँ पर ये तो बना सकते हो बताना, कैसे देखो ध्यान देना, मतलब ऐसा कौन सी आकृति है, ऐसे कौन सी आकृति है जहाँ इधर भी नंबर क्या था इधर भी नंबर क्या था, मैंने बताया था मैंने तीन चित्र बनाए थे 12.8 पर मैं, अगर अर्धवर्त हो क्या हो, अगर अर्धवर्त हो तो अर्धवर्त का व्यास कितना डिग्री होता, बताओ व्यास होता है 180 डिग्री होता है, हम क्या करेंगे ऐसा वर्त बनाएंगे, ये रहा वर्त, इधर ध्यान देना, ये आपके दे रखा है ए बी, ये बी क्या दे रखा है आपके वर्त, इसमें देखो इसमें है तो बिल्कुल ई क्वेश्चन नहीं है, ये उत्तर क्या लिखना है बस, ये उत्तर हो गया इसमें सीधे, लेकिन इसमें नंबर मिलेंगे इसके आपके चित्र बनाने के और उत्तर के नंबर मिलेंगे, ये यहाँ लिखते उत्तर हो गया, लेकिन कहना क्या है ध्यान देना, मेन नंबर मिले चित्र का है ए बी कर्ण, ए बी व्यास हो गया, ए बी क्या मानना है आपको व्यास मानना, अब यहाँ पर आपके मैंने बताया हुआ है अर्धवर्त के अंदर कितना त्रिकोण बनता है, नबड़ी बनता है अर्धवर्त के अंदर, यहाँ पर 180 यहाँ होता है, और अगर 180 आपके इधर है तो आपके इधर बन जाएगा कितना डिग्री आपके नबड़ी, ये हो गया डिग्री, अब हमें करना है सिर्फ क्या सिद्ध करना है बी ए सी, बी ए सी ये वाला कौन, कौन सा कौन सा हो जाएगा आपके बी डी और सी, ये दोनों कौन बराबर है बताओ, दोनों बराबर क्यों है, क्या लिखोगे कौन बी ए सी बराबर है कौन कौन सा बी डी सी, तो ये और ये बराबर क्यों है, तो घुमा के देखो ये वाला चाप का नाम क्या बी सी, तो उसी चाप पर ये कौन और उसी चाप पर ये कौन, नियम बताया हुआ है इसी पर ये कौन इसी पर ये वाला कौन, एक ही चाप पर दोनों कौन हमेशा क्या होते हैं, दोनों क्या तीनों चारों पांचों जितने कौन बनेंगे इस चाप पर, इसी चाप पर ये कौन और इसी चाप पर ये कौन, ये दोनों कौन क्या लिखोगे बी सी, चाप पर बनने वाले कौन बनने वाले हमेशा क्या होता है आपस में बराबर, ये वाला चाप नाम ऐसा आएगा बी सी, इस चाप पर इसी चाप पर ये कौन इसी चाप पर ये कौन, ये तो बराबर है, इसको नंबर मिलेगा इस चित्र का आपको और एक मिलेगा इस जो लाइन लिखनी है एक ही चाप पर बनने वाले कौन, क्या लिख रहा है एक ही चाप वो कौन सा बी सी, उसी पर बनने वाले सभी कौन हमेशा क्या होते हैं बराबर, अगर कोई वर्त है और मैंने ये चाप ले लिया ये वाला, इस पर आप इधर बनाओ कौन चाहे ये बनाओ चाहे इधर बनाओ चाहे ये सारे सारे कौन हमेशा क्या होते हैं बराबर, एक वर्त के एक और बनने सभी कौन हमेशा बराबर होते हैं। अब है ये वाला एक वर्त की दो दीवार आपको चित्र बनाने का और लाइन लिखने का इसका नंबर मिलेगा, आता है एग्जाम एकदम छोटा बस कैसा कर, एक वर्त की दो दीवार एक का नाम ए बी और एक का नाम क्या देगा ए सी, उनके केंद्र से कौन बन रहा कितना बन रहा है 90 डिग्री और 150 और दोनों वर्त के विपरीत दिशा में, एक इधर है तो एक इधर है, ये रहा वर्त और कितनी दीवार है दो दीवार, एक दीवार ये रही एक दीवार ये रही और ये रहा केंद्र, एक इधर है और एक उधर है, केंद्र से कौन मतलब ये दोनों केंद्र से कितना डिग्री कोण बना रही है
एक तरफ तो बन रहा है कितना 90, एक तरफ कितना बन रहा है आपके, और एक तरफ कितना बन रहा है आपके 150 के लिए। तो हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, बी ए सी। देखो ध्यान से, दो दिवाए कहा है ए बी और ए सी, हमें कौन कौन सा ज्ञात करना है, बी ए सी। कोण भी बन गया, दो दिवाए भी आ गई। इसने कहा कोण ज्ञात करना है बी ए सी, मतलब बी ए सी तो एक साथ ही है, बी ए और सी, और दो दिवाए भी है, एक दिवा ये एक, दोनों एक तरफ, दोनों अलग अलग है, एक इधर है और एक इधर है, केंद्र के दोनों जीवाएं इधर इधर भी है, दो जीवाएं भी दे रखी है, और कोण भी बन रहा है बीएसी। ये वाला कोण क्या करना हमें ज्ञात करना है, ये वाला कोण कितना होता है, इस कोण का आधा, इस कोण का आधा होता है। अब यहाँ कोण तो दिया हुआ नहीं, ये हो मान लो, हमें कोण ये वाला क्या करना, बी ओ सी या एक्स मान लो, बताओ ये पूरा कितना डिग्री होता है, 360, 90 प्लस एक्स प्लस 150, तीनों का योग कितना होता है 360 होता है, तुम उधर भेज दो दोनों को, नेक्स्ट का मान कितना आएगा 360 माइनस 260, उधर भेज दिए, एक्स का मान कितना आ गया आपके 100 डिग्री, ये हो गया 100 डिग्री। अब वो नियम लगाइए एक्सपेरिमेंट में, कौन सा 12.8 क्या नियम है, कि एक चाप पर स्थित जो भी कोण बनना है केंद्र से, वो अन्य शेष भाग पर बनने वाले कोण का हमेशा क्या होता है, दुगुना होता है। तो बताओ ये वाला कोण, कोण बी ओ सी, डबल ओ सी कितना होगा, डबल बी ए सी का डबल होगा, ये कितना है 100 डिग्री, 2 का 2, और बी ए सी क्या करना है आपको ज्ञात करना है, ये गुणा कर दो, बताओ बी ए सी का मान कितना आएगा 100/2, कितना है 50 डिग्री।